इस शहर में कुछ लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। मैं जिस काम की बात कर रहा हूँ वो काम ये औरत भी करती है। वो रोज चार गाय और घास लेकर इस मंदिर के पास आती है, फिर यहां बैठकर वो लोगों को घास बेचती है, क्योंकि गाय को पवित्र और उसे घास खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। बहुत सारे लोग औरत से थोड़ा सा घास खरीदते हैं और बाजू में खड़ी इन गायों को खिलाते हैं। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो यह औरत का काम एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। चारों गाय उसकी है, घास भी उसका है और गायों को घास खिलाने की जिम्मेदारी भी उसी की है, लेकिन वो अपना काम दूसरों से करवा रही है और ऊपर से पैसे भी कमा रही है। इन गायों से मिलने वाले दूध से भी उसी का फायदा होता है। तो बड़ी समझदारी से उसने अपनी जिम्मेदारी को पैसे कमाने के एक तरीके में तब्दील कर दिया है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। लोग घास खरीद कर गायों को खिलाने के लिए राजी हैं, क्योंकि मुंबई जैसे महानगर में उन्हें यह पुण्य का काम करने को मिल रहा है। लोग पुण्य कमाकर खुश हैं और यह औरत कुछ पैसे कमाकर। इट्स म्यूचुअल बेनिफिट। इस शहर में एक टीचर है जो स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ाती है। स्कूल के बाद वो थोड़ा सा वक्त मुंबई के रास्तों पर रहते इन बच्चों के साथ भी बिताती है। वो किसी भी तरह बस इन बच्चों को खुश रखना चाहती है। जिन बच्चों के पेट की भूख भी बराबर से नहीं मिटती, उन बच्चों में वो ज्ञान की भूख जगाना चाहती है। कभी साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट बताकर बच्चों को कुछ सिखाती है। कभी कुछ नया दिखाकर उन्हें हंसाती है। एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक दूसरों के चेहरे पर हंसी देखकर हमारे चेहरे पर अपने आप हंसी आ जाती है। इसलिए हमें भी दूसरों को हंसाना चाहिए ताकि हमारे चेहरे पर अपने आप हंसी आ जाए। इस शहर में एक आदमी है जो सामने तो नहीं आना चाहता, लेकिन इन चेहरों में एक चेहरा उसका भी है। वो रोज लोकल ट्रेन में अप डाउन कर काम पे जाता है। लोग भीड़ से परेशान हैं पर वो नहीं, बल्कि वो तो इस भीड़ में बहुत खुश रहता है। लेकिन उसकी खुशी के पीछे भी एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है, वो जिस गांव से मुंबई आया है वह आज भी लोग उसकी जाति को अछूत मानते हैं। 27 साल से उसने अपने गांव में एक अछूत आदमी की तरह जिंदगी बिताई है। गांव में लोग उससे दूर रहते थे और मानसिक तौर पर उसे भी लोगों से दूर रहने की आदत सी हो गई थी। कुछ काम की तलाश में जब वो मुंबई आया तो उसने जाना कि यहाँ तो लोग भीड़ में चलते चलते उसे छू जाते हैं, टकरा जाते हैं, कोई परवाह ही नहीं करता। शुरू शुरू में उसे बड़ा अजीब लगता था। आदत से मजबूर उसने यहाँ भी लोगों से दूर रहने की कोशिश की थी ताकि कोई उसे या वो किसी और को गलती से छू ना ले। लेकिन जब हालात ही ऐसे हों, अनजाने में ही सही, लेकिन मुंबई के लोगों ने उसकी आदत बदल दी थी। जो कभी खुले आसमान में बंद रहता था वो अब बंद पिंजरे में भी उड़ने लगा है।